हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ। पार्टनरशिप चैप्टर है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ओके, सजा लिया मैंने ये सब कुछ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैल्यूएशन गुडविल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुडविल होती क्या है, प्लस वैल्यूएशन और गुडविल में कितने टॉपिक है, कितने मेथड है आपके। तो इसके अंदर बेटा टोटल तीन मेथड थे, जिसमें पहला जो मेथड था बेटा वो था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखते हैं हम यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका, आप इसको सिंपल बोल सकते हो, मैं इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलता हूं, फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट मेथड, या आप इसको यूज कर सकते हो FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। सीखेंगे आज की वीडियो में ये। एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में दोनों ही टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक करते हैं बेटा, आपका फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये है क्या चीज? तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे बेटा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है हमारा एवरेज प्रॉफिट, लेकिन वर्ड मैंने ये यूज किया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये होता क्या है, सबसे पहले आप देखोगे ये और फिर हम सीखेंगे ये, इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये दोनों चीजें आती कहां से है। मान के चलते हैं कोई आपने शॉप खरीदी है या खरीदने का मन बना रहे हो, आपने उसे कहा कि भाई सन 2010 चल रहा है, लेट्स सपोज 2010 चल रहा है, और आपने कहा कि भाई बताओ प्रॉफिट आपको कितना हुआ। उसने कहा सन 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। उसने कहा कि भाई पहले मेरे को प्रॉफिट हुआ था 10,000 का, अब हुआ है 30,000 रुपए का, फिर हुआ है 20,000 रुपए का, एक बार मुझे लॉस भी हुआ था, मान के चलते हैं लॉस हुआ था 10,000 रुपए का, ब्रैकेट में डालेंगे, और अभी करंटली 2014 में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 50,000 रुपीज। ये उसके प्रॉफिट हुए थे कुछ। अब 2014 में आप कह रहे हो कि भैया ये दुकान मुझे दे दो, मेरे हवाले करो, ये दुकान मुझे खरीदनी है। तो उसने कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीद लो, जो भी उसकी कॉस्ट बनती है दुकान की, वो चाहे जमीन की कह लो, उसके पास जो भी रॉ मेटेरियल होगा उसकी कह लो, उसके पास जो भी स्टॉक होगा, उन सभी की एस्टिमेट करके वो अमाउंट आपको बता देगा, ये अमाउंट है। लेकिन वो कहेगा कि इतने सालों से मैंने बिजनेस को चलाया है, कस्टमर बिल्डअप किए हैं मैंने, सोसाइटी में हमारा नाम है, ग्राहक बगल वाली दुकान में ना जाकर हमारी वाली दुकान में आता है, तो ये जो मैंने अपनी रेपुटेशन यहां पे बनाई है, ये जो प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं, क्योंकि अगर आप नई दुकान खोलते तो हो सकता था स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट ना हो या कम हो, लेकिन यहां पर आपको मैंने पहले से ही बना बनाया बिजनेस दिया है जो ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो आपने जो कॉस्ट जो आपने एस्टिमेट की वो तो उसकी दुकान की थी, उसके पास जो रॉ मटेरियल था, जो स्टॉक था, आपने उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई चलो इतना अमाउंट हो गया आपकी दुकान का, ये लो। लेकिन पॉइंट यहां आ जाता है कि जो इतने सालों से वो जो चला रहा था, जो उसने कस्टमर बिल्डअप किए हैं, उसने जो प्रॉफिट कमाता हुआ बिजनेस जो आपको आपके हाथ में जो दे रहा है बेटा, उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? वो भी तो पैसा वो मांगेगा कि इतने सालों तक मैंने जो काम किया यहाँ पे, भाई उसका पैसा तो दूं, क्योंकि आप डे वन से प्रॉफिट कमाओगे यहां पर,
क्यों? क्योंकि ये चलती हुई दुकान है। तो आपने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए। अब देखो इस तरह से दुकानदार जिससे भी आपको दुकान लेनी है, हो सकता है वो बोले कि मुझे तो 5-6 करोड़ रुपए दे दो, लो दोगे क्या आप? नहीं दोगे। आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी होता है, आप ये बताओ ना कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, आपकी दुकान प्रॉफिट कितना कमा रही है वो बताओ मुझे। उसने कहा कि देखो मेरा प्रॉफिट इस तरह से, 2010 में मैंने स्टार्ट की थी, 4 साल मुझे हो चुके हैं। पहले साल मैंने 10,000 रुपए कमाए, फिर 30, फिर 20, एक बार लॉस भी हुआ था, और 2014 में मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जो कि था 50,000 रुपए। तो एक काम करो, आप 50,000 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट दे दो आने वाले 2-3 सालों का। आपने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बताओ मुझे पहले कि आने वाले, चलो 2014 से अगर मैं खरीद लेता हूँ, मान के चलो 2014 से मैं खरीद लेता हूँ, 2014, 2015, 2016, चलो लो भाई 2 साल हमने और इंक्रीज कर दिए, चलो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दो सालों तक आपकी वजह से दुकान चलेगी। चलो आप गले से हट गए, आपने दुकान मेरे को हैंड ओवर कर दी, ठीक है आप चले गए दुकान से, और आपके नाम से आने वाले 2 सालों तक भी मैं प्रॉफिट कमाता रहूंगा आपकी वजह से, सिर्फ क्योंकि आपने दुकान चलाई थी इस वजह से। तो मुझे बताओ कि आने वाले 2 साल में कितना प्रॉफिट होगा वो बता दो, वो मैं आपको दे दूंगा। ताकि मान के चलो वो कहेगा कि भाई रिसेंटली 50,000 हुआ था, एक काम करो ना आप 50,000 2 साल दे दो मुझे प्रॉफिट। आपका हो गया कि ऐसे थोड़े होता है, आपने ये भी तो देखो पिछले साल आपको लॉस भी तो हुआ था फिर। तो ऐसे है बेटा, आप एस्टिमेट कैसे कर पाओगे कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट क्या होगा? तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है बेटा वो सीखेंगे आज। तो बेटा इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आप 2015-2016 में जो उसको प्रॉफिट मानोगे कि उसको क्या प्रॉफिट होगा या आप किस तरह से मानोगे, उसका तरीका है ये कि आप मान लेते हो, आप कहते हैं कि एक काम करते हैं, आपने 2-4-5 आपने 5 साल तक बिजनेस किया, हम पूरे 5 सालों का जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है उन सभी को प्लस करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ना आपकी ना मेरी। जो दुकानदार है जिससे आप खरीदने जाओगे वो कहेगा 50,000 दो, और आपने कहा कि नहीं मैं तो सबसे कम दूंगा, एक काम करो मैं तो लॉस दूंगा और बताओ, उल्टा आप मुझे पैसा दो, मैं तो लॉस वाला बिजनेस खरीदाऊ, तो ऐसे तो लड़ाई होती रहेगी। तो इसका जो तरीका है वो ये है बेटा कि एक काम करो ना पूरे 5 साल को प्लस कर दो, जो आएगा उसका एवरेज निकाल दो। आपको भी देखो ना आपकी ना मेरी, मैं इसका एवरेज निकाल देता हूँ, वही प्रॉफिट मैं 2015 और 2016 में मानूंगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा बेटा वो देखो, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 क्योंकि लॉस हुआ था प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 5 सालों का है, 5 ईयर्स। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे बेटा तो इसका आंसर आएगा 1,00,000 रुपीज डिवाइड बाय 5 आया 20,000। ऑन एन एवरेज वो हर साल 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपने कहा चलो ठीक है एक काम करो, ये लो 2015 का 20,000 और ये रहा 2016 का 20,000। आप एक काम करो, आपकी वजह से मैं आने वाले 2 सालों में 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आप एक काम करो 20 और 20 प्लस 40, आप एक काम करो 40,000 ले जाओ गुडविल का। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? गुडविल का मतलब होता है कि किसी बिजनेस की जो पावर है प्रॉफिट अर्न करने की इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, कि वो बाकी दुकानों से या बाकी कंपनियों से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो उसकी जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। यहाँ पे आपके अंदर एबिलिटी, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, एक काम करो जितना ज्यादा कमा रहे हो वो लोग प्रॉफिट ले जाओ अपने घर पे और दुकान हमारे हवाले कर दो। तो आप आने वाले 2-3 सालों का प्रॉफिट उठा के उसको दे देते हो। बट इजी है अभी तक समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या 10, 30, 20 और 50 आप एज इट इज ले लोगे? क्या आप उसकी बातें मान जाओगे कि हाँ भाई उसने बोला कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ था तो आप लो भैया रख लिया हमने 50,000? क्या इसमें आप कुछ प्लस माइनस नहीं करोगे? आपको कुछ डाउट होगा या नहीं होगा? देखो ना आप, पहले 10,000 का हुआ, फिर 30,000 का हुआ, फिर 20, फिर एकदम से 50, ऐसे कैसे? तो आपको ये पता करना बहुत जरूरी है बेटा कि ये जो प्रॉफिट जो वो हमें बता रहा है क्या उसके अंदर कोई उसने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट है क्या वो प्योरली प्रॉफिट उस बिजनेस का है, कहीं उस दुकानदार का, क्या वो जो दुकानदार है क्या उसने अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट, जो उसने मान के चलो उसकी कोई असेट है घर की
उसने उसको बेच बाच के कोई प्रॉफिट लिया हो और उसने वो इसमें ऐड कर दिया हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेटा इसको रेक्टिफाई इन प्रॉफिट्स को, हमें वह चेक करते हैं कि इन प्रॉफिट्स में कहीं कोई एक ऐसी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पर्सनल इनकम तो नहीं थी ऑनर की। क्योंकि लेट सपोज कि उस ऑनर ने कहीं पे इन्वेस्ट किया था जहां से उसको 40,000 रुपए आने थे, अब उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब वहां से 40,000 आ गए और इस साल हुआ था 10,000 का प्रॉफिट, उसने 40,000 इसमें प्लस कर दिए और उसने दिखाया 50,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे बिजनेस में, जबकि 40,000 रुपए तो उसकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी जहां से उसको प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे में उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को दुकान के प्रॉफिट में ऐड करना क्या सही रहेगा? नहीं, क्योंकि जब आप दुकान खरीद लोगे तो ऐसे में बेटा आपको 50,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, आपको होगा 10,000 का ही, वो 40,000 तो वो लेके चला जाएगा अपने साथ। तो ऐसे में बेटा आ जाता है हमारा टॉपिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं FMP। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी चीज प्लस तो नहीं कर रखी जो नहीं करनी चाहिए थी। अगर बेटा ऐसी कोई चीज उन्होंने प्लस कर रखी थी जो नहीं करनी चाहिए थी तो वो हम वो माइनस करेंगे। और सेम चीज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बेटा कि बिजनेस में हो जाता है लॉस, मे बी बाय फायर या कोई थेफ्ट हो गया हो, तो ऐसे में जो लॉस होता है वो भी बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस करके दिखाया जाता है कि ये प्रॉफिट अब बचा हुआ, तो वो भी बाई चांस होता है लॉस। तो ऐसे लॉस को हम दोबारा प्लस करेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है विदाउट लॉस, क्योंकि वो लॉस बार बार नहीं होगा, वो बाई चांस हो गया, लेकिन प्रॉफिट से जो कमाया था रियलिटी में जो उसने प्रॉफिट कमाया था वो हमें दिखाना होगा। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है जो बाई चांस हुआ है तो वो लॉस वापस प्लस कर देंगे उस प्रॉफिट के अंदर, और ऐसा कोई खर्चा जो उसको करना चाहिए बट उसने नहीं किया तो वो माइनस करेंगे। हालांकि देखते हैं इसकी पूरी टेबल क्या है, आइए चलिए बनाते हैं इसकी टेबल। प्रेस स्टार्ट करते हैं टेबल को लेकर, और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मान के चलते हैं प्रॉफिट नंबर वन, प्रॉफिट नंबर टू, प्रॉफिट नंबर थ्री, तीन साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट वन टू थ्री। इसके अंदर बेटा आपको क्या क्या प्लस करना, मान के चलो यहाँ पे आपने अमाउंट, ये अमाउंट है बेटा, ठीक है ये अमाउंट है, और यहाँ पे दे रखा है आपको लेट सपोज हम पहले करेंगे ऐड करने वाले आइटम्स, तो इसमें हम ऐड क्या क्या करने वाले हैं वो देखो। अगर मान के चलते हैं इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये प्लस करेंगे। अब प्लस किस में करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता है कि पहले साल के प्रॉफिट में ही ये लॉस हुआ था तो उसमें प्लस करो, अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं थर्ड वाले प्रॉफिट में ये लॉस हुआ था तो वहां प्लस करो। सभी में प्लस नहीं होगा, जिस ईयर के प्रॉफिट में ये चीज हुई है वही प्रॉफिट करो, वही ऐड करोगे बेटा, सभी में ऐड नहीं करोगे। मान के चलते इसमें था तो हमने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो ऐड हो सकता है बेटा वो हो सकता है हमारा, अगर कोई इनकम आप ओमिट कर गए हो, इनकम जो आप क्या कर गए बेटा ओमिट कर गए, भूल गए कोई इनकम ऐड करना, तो वो हम ऐड करेंगे। मान के चलते दूसरे साल के प्रॉफिट में ऐसी चीज हुई थी जहां पे एक इनकम थी जो आप ऐड करना भूल गए थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बट यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जिस साल के प्रॉफिट में होता है बेटा वहीं पर ही हमें ऐड और माइनस करना होता है। अब बात करते हैं लेस के, यहाँ पे और भी आइटम आ सकती है, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। लेस क्या क्या करेंगे बेटा, एब नॉर्मल गेन, अगर कोई प्रॉफिट आपको हो जाता है, ये नॉर्मली होता है आपको कोई एसेट बेचने से, यहां पर सेल ऑफ एसेट, ये नॉर्मली क्या होता है बेटा एसेट बेचने से होता है। तो मान के चलते हैं थर्ड वाले ईयर में आपने कोई एसेट बेची थी, वो आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया था, तो ये एबनॉर्मल गेन इसलिए भी होता है क्योंकि एसेट आप बेटा बार बार नहीं बेचोगे, आप हर बार एसेट नहीं बेचने वाले, इसीलिए हम इसको एबनॉर्मल मानते हैं। तो इसको बिजनेस के प्रॉफिट में दिखाना गलत बात होती है,
तो यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, लेकिन बेटा यहां से माइनस हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस जो आप ओमिट कर गए हो, आप भूल गए हो माइनस करना, तो मान के चलते हैं पहले साल में ही ऐसा हुआ था कुछ, तो यहां से वो माइनस हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा एक लास्ट जो आइटम इसमें आती है वो आती है बेटा इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग से मेरा मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो उस ऑनर की पर्सनल है, बिजनेस की नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मान के चलते हैं वो बीच सेकंड ईयर के प्रॉफिट में था, तो यहां से मैच हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है बेटा, इसका टोटल करना है। क्या करना है बेटा, इसका टोटल करना है। तो यहां पे आ जाएगा आपका एफ एम पी वन, एफ एम पी टू, एफ एम पी थ्री, फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट। अच्छा एक बात और बता दो बेटा, फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट को बेटा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये निकाल देते हो, तो जैसे हमने फॉर्मूला अभी सीखा था, तो फॉर्मूला था बेटा गुडविल निकालने का। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये प्लस तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो और अपॉन कर दो, किससे अपॉन कर दो, किससे, तीन से। चार साल का प्रॉफिट होगा तो चार से, पांच साल का प्रॉफिट होगा तो पांच से। क्लियर है पॉइंट बेटा? ओके, दिखाई नहीं दे रहा था ना, अब सही है। तो आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, इन तीनों को प्लस करो और तीन से डिवाइड कर दो। अगर चार साल का प्रॉफिट है तो चार से डिवाइड करोगे, पांच साल का तो पांच से करोगे। तो एवरेज एफएमपी तो आपको समझ में आ गया बेटा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है बेटा, मान के चलो जो एवरेज जो निकला, ये निकला 20,000, लेट्स सपोज 20,000 निकला। अब आप ये कहोगे उस दुकानदार से कि भाई 20,000 रुपए हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला कि हाँ जब हम आपका बिजनेस खरीदेंगे तो आपकी मेहनत की वजह से, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी सेटअप करने के लिए दुकान को, कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए, तो आपकी मेहनत से हम आने वाले कई सालों में 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। बट आप मुझे खुद अपने मुंह से बताओ कि ये 20,000 रुपए का जो अमाउंट है वो हम कितने सालों तक कमाते रहेंगे आपके जाने के बाद। मान के चलो मेरा बिजनेस है और मैंने कहा कि भाई मेरे जाने के बाद भी आप 20,000 रुपए कन्फर्म कमाओगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने काम किया था पहले, इसलिए। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरे जाने के बावजूद भी ये 20,000 रुपए आप कितने सालों तक कमाते रहोगे। ऐसा तो है नहीं लाइफ टाइम तक कमाते रहोगे भाई, कस्टमर जब आएगा दुकान पे देखेगा भाई मालिक तो चेंज हो गया, राइट, हो सकता है कि वो लॉस में चला जाए वो बिजनेस बाद में, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको बताना पड़ता है कि ये जो प्रॉफिट है एवरेज जो हमने निकाला वो कितने सालों तक हम कमाते रहेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेट मांग के चलो, उसने बोला चार सालों तक, उसने कहा ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं चला भी गया तो चार सालों तक 20,000 का प्रॉफिट होता रहेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है एक काम करो ना, आपने कहा चार साल तक, तो चार साल इंटू में एक साल का प्रॉफिट हमने निकाला 20,000 आपकी वजह से जो हम कमाएंगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट लो और दफा हो जाओ यहां से। ऐसे जो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है बेटा गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट है जो उसने मेहनत करी अपनी उस बिजनेस को सेटअप करने में, और उसकी मेहनत की वजह से जो वो प्रॉफिट कमा रहा है वो बिजनेस, एक काम करेंगे वो प्रॉफिट हम उसको पूरा दे देंगे, कहेंगे कि जो प्रॉफिट आप आने वाले चार सालों में कमाओगे वो प्रॉफिट हम आपको अभी दे रहे हैं और लो और दफा हो जाओ यहां से। आज से इस गल्ले का मालिक मैं हूं, यहां पे मैं बैठूंगा, यहां पे मैं पैसे काउंट करूंगा। तो बेटा ऐसे कैलकुलेट किया जाता है गुडविल को, कि सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज एफएमपी और फिर आप ये देखोगे कितने सालों तक वो प्रॉफिट वो कमाते रहेगा उस ऑनर के जाने के बाद भी, तो वो अमाउंट मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आएगा वो गुडविल का अमाउंट उसको दोगे और दुकान आप अपने नाम पे कर लोगे बेटा। ठीक है,
तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन एक, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास टीएस गिरवाल की बुक है और इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। इसमें आपका यहाँ पे लिखा है ए परचेज बी बिजनेस, ए ने बी का बिजनेस परचेज किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2008, जो कि बोला हुआ है कि 1 जनवरी 2008 से इसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ऑनर चेंज मिलेगा 1 जनवरी 2008 से। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितने साल तक वो प्रॉफिट कमाता रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2 ईयर्स। लिखा है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, 3 सालों का निकालना है, ये भी हमें गिवन है। आगे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ बीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज, और 3 सालों का प्रॉफिट आपको गिवन है। किस तरह से गिवन है बच्चे, देखेंगे। लिखा है 2005 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। एबनॉर्मल गेन का मतलब है या तो उसने कोई एसेट बेची होगी या कोई एक ऐसी इनकम हुई होगी जो आने वाले सालों में नहीं होगी, बाई चांस जो इनकम होगी उसकी। तो ऐसे में इस चीज को हम इसमें माइनस करेंगे तो 80 में से 10 गए, 70 बचे का बेटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आगे है 2006, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या कहा था, एक ऐसा लॉस जो बाई चांस हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार होता रहेगा, आग लग गई अगर दुकान में तो ये थोड़ी होता है कि हर महीने लगती रहेगी या हर साल लगती रहेगी। तो ऐसे लॉसेस को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे दोबारा, क्योंकि ऐसे में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है लॉस को माइनस करने के बाद। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये लॉस आप दोबारा प्लस कर दो, क्योंकि ऐसे लॉस बार बार थोड़ी होते हैं। तो आपने कहा कि 1 लाख आपने जो बताया था उसमें 20,000 और प्लस करो, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000, जो एक्चुअल प्रॉफिट था बेटा। लास्ट में लिखा है 90,000 रुपए, जिसमें लिखा है एक्सक्लूड 10,000 रुपए एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। एक बेटा ऐसा खर्चा था जो इंश्योरेंस के नाम से जो कि करना चाहिए था बट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने बनाया है जिसमें आपने देखा है कि जो भी इनकम होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं सारे एक्सपेंसेस, तब जाके आपका आता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था वो खर्चा, उन्होंने माइनस नहीं किया था, तो हम प्रॉफिट में से वो खर्चा माइनस करेंगे। तो बेटा 90 में से 10 गए, बच्चा 80। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है बेटा। आप क्या करोगे, ये हो गया आपका FMP, इन तीनों को प्लस करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इन्होंने कहा है एवरेज प्रॉफिट, आप क्या लिखोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। टेम्स के बाद गुडविल की कैलकुलेशन बेटा कैसे है देखो जरा, 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे। आप लिखोगे 90,000 इंटू में 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कहो तो करके दिखा देते हैं बेटा। चलो अब कर ही लेते हैं, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो था बेटा 3 साल का प्रॉफिट, और लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का, जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। सबसे पहले लिखोगे बेटा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आप इसको एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। थोड़ी जगह छोड़ेंगे यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं इधर। आप चाहो तो वर्किंग नोट करके लिख सकते हो या आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट गिवन है बेटा 2005 का गिवन है, 2006 का गिवन है और 2007 का गिवन है, राइट बेटा। ओके प्रॉफिट कितना कितना गिवन है बेटा, इसका गिवन है 80,000, ओके, और इसका गिवन है हमें 1 लाख रुपए, इसका गिवन है 90,000 रुपए। पहले एडजस्टमेंट 2005 की एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल
गेन 2005 की है बेटा, गेन को हम क्या करेंगे माइनस, तो 10,000 हो जाएगा यहां से माइनस और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है बेटा 2006 की, इसके अंदर हमें गिवन था एबनॉर्मल लॉस जो कि 2006 में, और ये हो जाएगा प्लस, ये था 20,000 रुपए, ये प्लस होगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा बेटा। ओके आगे करते हैं, अब बात आती है बेटा 2007 की। 2007 में क्या हुआ था, 2007 में एक एक्सपेंस था जो ओमिट कर गए, जो ओमिट कर गए, आप लिख सकते हो ओमिटेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जो खर्चा था वो ओमिट कर गया बेटा, ये हटाओ ये हटाओ, इनमें तो कुछ नहीं आएगा। अमाउंट कितना था बेटा, अमाउंट था हमारे पास 10,000 रुपए, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 80,000 में से 10,000 गए बेटा, 70 बचा, प्लस 1,20,000 प्लस 90 में से 10 गए 80। बेटा एवरेज अगर मुझे निकालना हो, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 70 प्लस 120 प्लस 80, बच्चे डिवाइड करोगे 3 से क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट था, इसका आंसर आएगा 270 डिवाइड बाय 3 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 90,000 रुपए। इस अमाउंट को आप लिखो बेटा यहां पर, जो हमने यहां पे लिखा था फॉर्मूला अपना, 90,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि था 2, तो आपका आंसर आया बेटा 1,80,000 रुपए। ये क्या है बेटा, गुडविल की वैल्यूएशन, क्या है ये गुडविल, तो ये अमाउंट आप उस दुकानदार को दे दोगे जो आप खरीदने जाओगे शॉप। ठीक है बेटा, ध्यान रखो गुडविल की जो कैलकुलेशन है उसकी मेथड अलग अलग है, बहुत सारे हैं, 12th में हमारे पास लिमिटेड है, और यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं साथ में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड का मतलब होता है बेटा वेटेज, वेटेज का मतलब क्या हुआ, इंपोर्टेंस, आप किसको कितनी इंपोर्टेंस देते हो, आप किसको कितने वेटेज देते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 2000, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट, तो साथ साथ टाइम भी बचेगा हमारा। क्वेश्चन है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखा हुआ है, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 2003 में हुआ है 40, 2004 में हुआ है 48, 2005 में हुआ है 60, 2006 में हुआ 50 और 2007 में 36,000 रुपए का, तो ये आपको प्रॉफिट गिवन है पूरे 5 सालों के। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेटेड 1, 2, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2003, 4, 5, 6, 7। ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, बाद में समझाऊंगा ये चीज होती क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो एक टेबल बनती है, और टेबल किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा ईयर, ईयर क्या है, फिर हम लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट, और फिर हम यहां लिखेंगे वेटेज जो हम उसको देंगे। तो ईयर हमारे पास जो थी वो थी बेटा 2003 से स्टार्ट करते हुए 2007 तक, तो लिखते चले जाएंगे 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। प्रॉफिट कितना कितना था बेटा, प्रॉफिट था हमारे पास 40, 48, 60, 50, 36। ओके अब बेटा वेटेज क्या होता है वो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक यहां तक सॉल्व हो जाना चाहिए। एग्जांपल देखो, आप मान के चलो आपके पास प्रॉफिट है 2005 का, 2006 का,
मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट, ये है 50,000 का प्रॉफिट। अब मुझे बताना है कि 2007 में प्रॉफिट कौन सा होगा। मुझे बताओ 2005 और 2006 को देखते हुए, ये बताओ 2007 में प्रॉफिट क्या होगा। चलो थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, 2004 लॉस हुआ है 40,000 का। और बताओ 3 सालों का आपके पास रिकॉर्ड है, अब आप मुझे बताओगे 2007 में प्रॉफिट क्या होगा, क्या चांसेस है, किसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। 40,000, देखो अगर मैं अगर ये बिजनेस खरीदता तो मैं तो ये कहता बेटा 40,000 होने के चांसेस है। अब मैं तो अपना बेनिफिट देखूं, मैं क्यों देखूं किसी का प्रॉफिट, मैं तो अपना बेनिफिट देखूंगा, मैं तो कहूंगा कि नहीं ये सब कुछ गलत है, 40,000 दोबारा होगा, लॉस होगा आपका तो आने वाले टाइम में, जैसे मेरे को बेनिफिट है मुझे गुडविल कम देनी पड़ेगी। बट नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल देते हैं दूसरे से, फिर आप ये समझ जाओगे। रोहित शर्मा है बेटा, क्या है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं ना, आप सभी को पता है, ठीक है। पहले मैच बनाए 100, दूसरे में 50, तीसरे में 200, मुझे बताओ नेक्स्ट मैच में कितने बनाएगा। बट ऑब्वियसली बात है कि आपको लगेगा कि जो करंट में जो उसने रन मारे हैं उसी के जैसा कुछ रन बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी करंट जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो बेटा रिसेंटली जो प्रॉफिट होता है उसी को रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर हो सकता है कि 50,000 ही हो जाए, अप्रोक्स है, कन्फर्म नहीं है बट अंदाजा है कि यही होगा, क्योंकि पिछले साल जो हुआ है रिसेंटली हम आगे चलते हैं वही इस साल होगा। अगर आपने पिछले साल आपने 11th क्लास में अगर आपके 90% मार्क्स आए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 12th क्लास में भी या तो आपके 90 आएंगे या तो 90 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आपकी 8th क्लास में या पहली क्लास में अगर आपके आए हो 40-50%, तो ये थोड़ी होता है कि आप कहोगे कि नहीं 11th में भले ही मुझे 90 आए थे लेकिन 12th में तो मुझे लगता है कि 20% ही मार्क्स आएंगे, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहली क्लास में फेल हुआ था। नहीं बेटा, अब तो खैर फेल भी नहीं होते, पहले तो हो भी जाते थे, अब तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि नहीं पास कर दो सब बच्चों को, चलो अच्छी बात है, हमारे टाइम में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो बेटा जो करंटली जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी। तो अगर जितने साल का प्रॉफिट होता है उतने आपको नंबर गिवन होते हैं, 1, 2, 3, 4 रैंकिंग के हिसाब से आप कह सकते हो, जितना प्रॉफिट जितने साल के प्रॉफिट उतने ही आपको नंबर आपको मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज जो जाता है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में जाता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है 4, तो वो करंट ईयर में चला जाएगा, ये वाला इसमें और सबसे कम वाला सबसे लास्ट वाले में। तो जो करंटली जो प्रॉफिट है या करंटली जो ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है। अगर जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 और 3 5 है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो मिलेगी वो 5 इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी। क्लियर है बेटा, ओके। तो वेटेज आपने यहाँ पे लिखा, देन उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा प्रोडक्ट का, किसका बेटा, प्रोडक्ट का। आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई किसको करोगे, इन दोनों को, किसको करोगे बेटा, इन दोनों को करोगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 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 कर दो बेटा मल्टीप्लाई, इक्वल 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 कर दे, इक्वल अमाउंट कितना आएगा बेटा। मैथ मेरी थोड़ी सी कमजोर है, आप थोड़ी मेरी हेल्प करो, अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो बेटा मुझे बताना जरा, ठीक है। इसका आ जाएगा 180, इसका आ जाएगा 2 लाख, ओके हाँ बिल्कुल 2 लाख, इसका आ जाएगा 180 अगेन, दो बार 180 आ गया, मुझे डाउट हो रहा है, नहीं सही है, ठीक है। क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा फॉर्मूला तो बताने भूल गया बेटा, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज का, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला, इतना सिंपल फॉर्मूला जैसे आपने कभी देखा भी नहीं होगा, इतना सिंपल फॉर्मूला है, मतलब हद ही हो गई है सिंपल होने की भी। एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट आप यहां से निकालोगे, इसको प्लस करोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका सम अप अराउंड होगा 6,96,000। तो एवरेज वेटेड निकालने का तरीका क्या है, 6,96,000 डिवाइड बाय 8.5 अमाउंट आएगा 46,400। फॉर्मूले पुट करो बेटे,
46,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो 3 साल का आपको परचेज दे रखा है, मीन्स ये प्रॉफिट वो 3 साल तक कमा सकता है। तो पुट करेंगे बेटा हम फॉर्मूले में, करो बेटा पुट 3 ईयर्स, और आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आंसर आएगा 1,39,200। आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों टॉपिक हमने किए हैं, एक है आपका एवरेज एफएमपी और दूसरा है वेटेड एवरेज। अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में। बेटा दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेटेड एवरेज की तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको गिवन होगा, या तो आपको ये मिसिंग होगा, या कभी आपको ये मिसिंग होगा, या फिर कभी आपको ये मिसिंग होगा, ये आपको गिवन होगा। लेकिन इनमें से अगर मैं लिख देता ए बी और सी, इनमें से कोई ना कोई मिसिंग होगा, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स को। ऑफलाइन बच्चे मैं बहुत पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, लेकिन इस बार का जो मेरा टारगेट है वो है ऑनलाइन बच्चों के अच्छे मार्क्स लाना। मेनली मेरा जो टारगेट है वो है 95+ मार्क्स लाना बच्चों का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो बिल्कुल शेयर करें बेटा उसके साथ, उसको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है वो आपको थैंक्स बोले इस बात के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।